हेलो नमस्कार दोस्तों, थ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित वार्षिक परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे जो अध्याय एक संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन है, इसके आज हम जो है विकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, लेकिन थोड़ी इसे अलग टाइप से हम आपको समझाएंगे। चार विकल्प देके बिल्कुल ही समझाएंगे, क्योंकि चार विकल्प देने में जो है आप क्या करते हैं, आंसर रट लेते हैं, उसे समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। बस अंतर ये होगा कि हम आपको चार विकल्प नहीं बताएंगे, जो आंसर होगा वो दिमाग लगा के आप आंसर बता पाएंगे। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे और दो तीन चार जो है हम बाद में विकल्पीय क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर जो है एक रिक्त संबंध कहलाता है, कब कहलाता है, उसकी शर्त क्या होती है। और दूसरा भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, कब कहलाता है, यदि कोई कंडीशन होती होगी तो वो कंडीशन हम पता करते हैं। तो सबसे पहले संबंध के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यदि कोई भी आपके पास समुच्चय दिया गया है, एक दो मान के चलिए, और यदि आप इनका क्रॉस गुणनफल निकालते हैं, तो क्रॉस गुणनफल आपको पता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक दो का क्रॉस गुणनफल हम एक दो के साथ निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक का एक के साथ करते हैं तो एक एक प्राप्त होता है, एक का दो के साथ करेंगे एक दो आएगा, फिर दो का एक के साथ करेंगे तो दो एक आएगा, फिर दो का दो के साथ करते हैं तो दो क्रॉस दो और दो आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्रॉस गुणनफल निकाला। अब देखिए, क्रॉस गुणनफल में एक दो तीन चार अवयव हैं, और चार अवयव हैं तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, दो पे चार की घात, क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा है उपसमुच्चयों की संख्या, जितने अवयव होते हैं उतने ही उपसमुच्चय बनते हैं, दो पे उतने की पावर लगाते हैं। जैसे चार अवयव हैं तो दो पे चार की पावर, एक दो तीन चार है ना, तो चार की पावर मतलब इसके जो एक क्रॉस ए के 16 उपसमुच्चय बनेंगे। कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। तो यदि इसके 16 उपसमुच्चय बनेंगे तो उन 16 में से आपको पता है कि एक बनता है फाई और दूसरा बनता है सिंगल सिंगल अवयव लेते हैं, फिर डबल डबल लेते हैं, और लास्ट में जो है जिस सभी के सभी अवयव लेते हैं, मतलब एक क्रॉस ए का पूरा हम एक क्रॉस ए ले लेते हैं। तो इस टाइप से 16 बनते हैं। हम आपको 16 बनाना नहीं बता रहे हैं, हम आपको संबंध की परिभाषा बताने वाले थे। तो यहाँ एक क्रॉस ए के जो 16 उपसमुच्चय बनते हैं, इनमें से जो प्रत्येक उपसमुच्चय होता है, ध्यान रखना कि यहाँ एक क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है, प्रत्येक उपसमुच्चय जो है संबंध कहलाता है। ये है डेफिनेशन संबंध की। तो संबंध आर कहलाता है, संबंध को आर से हम दर्शाते हैं, इसलिए संबंध आर कहलाता है। तो संबंध की परिभाषा यदि आपको पता हो गई कि एक क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है संबंध आर कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे यदि मान के चलिए एक क्रॉस ए का उपसमुच्चय हमने लिया फाई, एक क्रॉस ए का उपसमुच्चय लिया फाई, तो यहाँ फाई तो हमें पता है रिक्त समुच्चय होता है। तो यदि हम एक क्रॉस ए का उपसमुच्चय फाई लेते हैं तो जो संबंध बना होगा वो संबंध कहलाता है रिक्त संबंध। ठीक है ना, कौन सा संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। इसलिए आपसे यदि पूछा जाए कि रिक्त संबंध की शर्त क्या होती है, तो रिक्त संबंध की शर्त होती है आर जो होता है, संबंध होता है एक क्रॉस ए का यदि उपसमुच्चय फाई है तो उसे कहा जाता है रिक्त संबंध। तो फिर पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि आर जो संबंध होना चाहिए वो एक क्रॉस ए का उपसमुच्चय यदि फाई है तो उस संबंध को जो है हम रिक्त संबंध कहते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध, तो
तो देखिए, यदि हम बात करें ए क्रॉस ए भी हमें पता है एक उपसमुच्चय फाई है, दूसरा ए क्रॉस ए का खुद ए क्रॉस ए है। तो यदि हम कहें कि ए क्रॉस ए पूरा जो ए क्रॉस ए है यदि उसी को आप आर बना देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, यदि हमारा जो ए क्रॉस ए है ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे सीधी बात है वही बात हो गई। तो ए क्रॉस ए यदि आर बन जाता है तो वो कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वत्रिक संबंध कब कहलाता है, जब ए क्रॉस ए का मान पूरा जो होता है उसे संबंध बना दिया जाए तो वो कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। इसके बाद देखें रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। हमने देखा रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध देखा, इन दोनों को तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना आप, ये खाली स्थान में आपको पूछा जा सकता है कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों को हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य, अब संबंधों के प्रकार आ गए, स्वतुल्य कब कहलाता है, सममित कब कहलाता है, संक्रामक कब कहलाता है। तो ध्यान रखना कि यदि यहाँ पे जैसे हमने बात की है एक सेट यदि आपके पास एक दो है समझ लो, ठीक है ना, एक दो है और यदि आपने उसका एक क्रॉस ए निकाला तो उस एक क्रॉस ए में देखा हमने एक एक आया, एक दो आया, दो एक आया और दो दो आया, इस प्रकार से आई। यदि हम इसी को संबंध मान के चलें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए सेट था उसमें दो अवयव थे, जबकि यहाँ जो आर सेट हुआ है उसमें एक की डबलिंग्स एक एक भी है, दो की डबलिंग्स दो दो भी है। मतलब कहने का अर्थ है ये जितने अवयव आर में, जितने अवयव ए सेट में हैं उनकी सभी डबलिंग्स यदि आर में होती हैं, तो कहने का मतलब है यदि आप ए से कोई भी अवयव लेते हैं, मतलब यदि हमने एक अवयव स्मॉल ए कैपिटल ए से लिया तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उसकी डबलिंग्स जो है उस संबंध में होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने एक लिया इससे तो इसमें क्या होना चाहिए, एक एक, ऐसा नहीं हम कह सकते कि तीन लिया क्योंकि तीन तो ए में है ही नहीं। तो ए सेट से हमें एक अवयव लेना है और उसकी डबलिंग्स यदि आर में होती है तो वो कहलाता है स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सममित की बात करें तो सममित क्या होता है, यदि हम आर से एक अवयव पिक करें उसका उल्टा भी यदि आर में हो, जैसे हमने एक दो लिया तो उसका उल्टा भी जो है आर में आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि यदि हम एक अवयव जो है आर में लेते हैं तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। मतलब ए भी अवयव आर में लिया है तो उसका अपोजिट जो बी ए है वो भी आर में होना चाहिए, इसे हम कहते हैं सममित संबंध। इसके बाद देखिए संक्रामक कब होता है, तो संक्रामक जो है आपने सवालों में भी पढ़ा होगा कि यदि हमने दो अवयव लिए, एक अवयव ए बी लिया दूसरा अवयव बी सी लिया, ठीक है ना, ध्यान देना, यदि हमने दो अवयव जो है लिए हैं ए बी और बी सी, संबंध आर में है तो इनका रिजल्ट, ठीक है ना, इनका परिणाम ए बी और बी सी का जो परिणाम होगा, देखिए बी इनके समान है तो इनका परिणाम हो जाता है ए और सी, ठीक है ना, इनका परिणाम क्या हो जाता है ए सी, यदि परिणाम का मान भी आर में हो जाए। देखिए यदि हमने ए बी लिया है और बी सी लिया है आर में तो उनका जो परिणाम रिजल्ट बना वो ए सी बना, वो यदि आर में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें इसे इस टाइप से भी बता सकते हैं कि यदि ए वन ए टू बिलोंग करता है आर में तो उसका उल्टा जो है ए टू ए वन बिलोंग करना चाहिए आर में, यदि बिलोंग करता है तो बताइए जे कौन सा संबंध कहलाता है, तो आप याद रखेंगे सममित संबंध कहलाता है। और जो संक्रामक है इसे दूसरे तरीका से ऐसे पूछ सकते हैं, यदि ए वन ए टू और ए टू ए थ्री बिलोंग कर रहे थे आर से तो इनका रिजल्ट जो बना ए वन और ए थ्री, जो इनका रिजल्ट बनता है ए वन और ए थ्री वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और यदि बिलोंग करता है तो ये कौन सा संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला विकल्प क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो। मतलब यदि कोई संबंध आर है वो स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए तो वह खालिस्तान कहलाता है। तो आप याद रखेंगे वह
तुल्यता संबंध कहलाता है। तो फिर तुल्यता जो है हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता, तुल्यता संबंध, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यदि कोई भी संबंध सौतुल्य, सममित और संक्रामक यदि तीनों हो जाता है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। देख सकते हैं अगला विकल्प है कि यदि एक समुच्चय 1, 2, 3 है तो उसके 1, 2 अवयव वाले कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं, उनकी संख्या क्या है। और इनसे संबंधित और भी हमने विकल्प रखे हैं क्योंकि ये विकल्प बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विकल्प है, ये पिछली बार पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं तुल्यता संबंधों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। देखिए, तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो सौतुल्य हो जाए, सममित हो जाए, संक्रामक हो जाए। तो ध्यान देना, यदि हमें तुल्यता संबंध निकालना है तो पहले हम A x A को पता कर लें कि A x A में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। तो देखिए, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकते हैं, 1 3 हो सकता है, और उसी टाइप से 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, उसी टाइप से फिर 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, और 3 3 भी हो सकता है। तो मतलब इतने अवयव ही A x A में हो सकते हैं, मतलब हम इन्हीं अवयवों में से ही तुल्यता संबंध बनाएंगे। तो देखिए, तुल्यता संबंध हम पहला बनाते हैं, तुल्यता संबंध R1। तो तुल्यता संबंध देखिए कब कहलाएगा तुल्यता संबंध, तुल्यता तब होता है जब उस सौतुल्य हो जाए, सममित और संक्रामक। यदि 1, 2, 3 अवयव हैं तो सबसे पहले तो उसे सौतुल्य होना पड़ेगा, और सौतुल्य होने के लिए सभी डबलिंग्स जो हैं, जितने भी डबलिंग्स होती हैं वो उस R के अंतर्गत होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी तो हमने सौतुल्य किया है, तो सौतुल्य करेंगे तो तीनों डबलिंग्स तो होनी चाहिए, क्योंकि जो समुच्चय है उसकी तीनों डबलिंग्स होनी चाहिए। इसके बाद देखिए 1, 2 अवयव भी होने चाहिए, तो यहाँ पे 1, 2 अवयव हमने लिखा। अब 1, 2 अवयव लिखा है तो सममित भी हमें करना होगा, सममित करना होगा मतलब उसका उल्टा भी तो करना होगा, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो देखिए, अब हमने सममित तो कर लिया, अब देख सकते हैं संक्रामक है कि नहीं है। तो देखिए, यदि संक्रामक को हम चेक करें तो ऐसे अवयव लेते हैं जिनके बी समान होते हैं। जैसे हमने यहां पे मान के चलिए इन दोनों अवयवों को लिया, तो यहां पे 1, 2 अवयव और फिर 2, 1 अवयव है, यहां पे इनके बी समान है, इनका रिजल्ट जो बनेगा वो 1, 1 बनेगा। तो इनका रिजल्ट 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है। यदि आप यहाँ पे 2, 2 और 1, 2 लेते, देखिए 2, 2 और 2, 1 यदि हम लेते तो यहाँ बी समान है, इनका रिजल्ट जो बन रहा है वो इनका रिजल्ट बना 2, 1, वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। मतलब जे जो यहाँ पे संबंध बनाया है, जे संबंध जो है सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो एक तो यही हो जाएगा, एक तो R1 हो जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें कि दूसरा क्या होगा, तो देखिए दूसरा मान के चलिए R2 हम निकालेंगे, तो पहले नंबर तो उसे सौतुल्य तो होना पड़ेगा, सौतुल्य तो होना पड़ेगा। और यहाँ पे 1, 2 कहा गया है, जब 1, 2 होगा तो फिर उसका उल्टा 2, 1 भी हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए, एक आध अवयव और एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि जे तो हमने अभी अभी निकाला था, यही का यही तो बताएंगे नहीं। जैसे एक अवयव हमने यहाँ पे 2, 3 लिया, तो देखिए यदि हमने एक अवयव एक्स्ट्रा लिया है 2, 3, तो देखिए जब 2, 3 लिया तो 2, 3 का उल्टा जो है 3, 2 भी तो हमें लेना पड़ेगा। और जब 3, 2 लिया है तो देखिए क्या इतना बस जो है सौतुल्य तो है, सममित भी हो गया, संक्रामक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, संक्रामक और करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें कि 1, 2 और 2, 3 की बात करें, जैसे हमने एक अवयव लिया है, 1, 2 अवयव लिया है और 1 लिया है 2, 3 लिया है, इनका रिजल्ट यदि चेक करें तो इनका रिजल्ट होता है 1, 3, और 1, 3 अभी देख रहे हो इसके अंतर्गत है नहीं, तो 1, 3 तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि तब तो तुल्यता संबंध बनेगा। और 1, 3 किया है तो 3, 1 भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूरा 1 x A ही आ जाएगा, पूरा 1 x A ही आ चुका है। तो मतलब कहने का अर्थ है एक R1 संबंध हो सकता है, एक R2 हो सकता है, केवल 2 ही तुल्यता संबंध हो सकते हैं। तो हमारा अभीष्ट आंसर होगा कि 2 तुल्यता संबंध हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए, जैसा 1, 2 वाला पूछा है वैसा ही यदि 1, 3 वाला पूछे और 2, 3 वाला पूछे तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। 2, 3 वाला पूछे क्योंकि 1, 2 की जगह आप 2, 3 लेते चलिए, तो इसका भी आंसर होगा 2। देखिए, यदि हमने 1, 2 लिया है तो 1, 2 के साथ हमें पता है 1, 2 लिया है तो उसका उल्टा 2, 1 तो लेना पड़ेगा। तो यदि 1, 2 और 2, 1 वाले तुल्यता संबंध पूछे तो उसका भी आंसर कितना होगा, 2।
और इसी टाइप से यदि 1 3 और 1 3 का उल्टा 3 1 के साथ तुल्यता संबंध पूछें तो भी 2 होगा, और 2 3 और 3 2 की तुल्यता संबंध पूछें तब भी आंसर 2 होगा। तो यहाँ तुल्यता संबंध वाले सवाल का, हर एक सवाल का आंसर 2 होगा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बस ध्यान रख लीजिए आप कि यदि सिंगल अवयव के तुल्यता संबंध पूछ लें तो होगा आंसर 2। यदि सिंगल अवयव और बगल में उस अवयव का यदि अपोजिट रख दिया जाए, जैसे 1 2 का 2 1 रख दिया जाए तो भी आंसर 2 है, 1 3 का 3 1 रख दिया जाए तो भी आंसर 2 है, 2 3 का अपोजिट यदि 3 2 रख दिया जाए तो भी आंसर 2 है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि यहाँ पे 2 3 लिखा है, अब उसका उल्टा ना लिख के जैसे 1 2 लिख देते तो अलग आंसर होता, वहां पे आंसर आपका 2 नहीं होगा। तो फिलहाल जो है आप इनके आंसर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, छठवा जो है विकल्प बन सकता है तुल्यता वर्ग से। तो तुल्यता वर्ग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यदि मान के चलिए एक सेट पर परिभाषित संबंध इस प्रकार से है, ठीक है ना, मान के चल रहे हैं हम इस प्रकार से है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह रहे कि 1 रॉस 1 के पूरे अवयव ही हमने लिए हैं, मान के चल रहे कि संबंध R इस प्रकार से है। तो तुल्यता वर्ग को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, यदि हमें A अवयव का तुल्यता वर्ग निकालना है तो A को हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे, B का निकालना है तो B को बड़े कोष्टक में, C का निकालना है तो C को बड़े कोष्टक में लिखते हैं, इनको ही कहा जाता है तुल्यता वर्ग। और देखिए जैसे हम निकालें ए का तुल्यता वर्ग निकालना है तो ए का तुल्यता वर्ग क्या होता है समझिए, ए से संबंधित अवयवों का समुच्चय कहलाता है। मतलब हम चेक करेंगे कि हमारा जो संबंध दिया गया है उसमें ए के साथ कौन सा अवयव आ रहा है, तो इसमें ए के साथ केवल ए आया है, बाकी तो ए कहीं नहीं है, तो ए के साथ केवल ए आया है तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब देखिए बी से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, तो बी से संबंधित अवयव यदि हम देखेंगे तो वो बी का तुल्यता वर्ग कहलाएगा। तो बी का संबंध बी से भी हुआ है और बी का संबंध सी से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बी से संबंध किन किन अवयवों का हुआ है, बी से बी का भी संबंध हुआ है तो बी हो जाएगा, और बी का सी के साथ भी हुआ है तो बी के साथ सी भी हो जाएगा। तो केवल 2 अवयव ही, क्योंकि यहाँ सी का बी के साथ या बी का सी के साथ बात एक ही है, तो बी का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ हुआ है तो बी सी हो जाएगा बी का तुल्यता वर्ग। अब देखते हैं सी का तुल्यता वर्ग देखते हैं, तो सी से संबंधित अवयव, तो देखिए सी से संबंधित अवयव एक सी है और सी से संबंधित अवयव एक बी है, सी से संबंधित अवयव बी है, तो बी तो डबल बार है, डबल बार नहीं हमें लिखना है। तो सी से संबंधित अवयव की यदि हम बात करें तो सी से संबंधित अवयव सी है और सी से संबंधित अवयव बी भी है, तो सी से संबंधित अवयव जो होगा सी भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा, इसे आप पलट के भी लिख देते बी सी तो कोई अंतर नहीं होता, तो ये कहलाता है सी का तुल्यता वर्ग। तो इस प्रकार से कोई भी यदि आपसे पूछा जाए, वैसे तुल्यता वर्ग हमें नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है कि तुल्यता वर्ग क्या होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक समुच्चय 1 2 3 दिया गया है और कहा गया है ऐसे संबंध कितने होंगे जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हों और वो स्वतुल्य भी होना चाहिए और सममित भी होना चाहिए किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए, उनकी संख्या क्या होगी। तो देखिए यदि हम बात करें तो 1 रॉस 1 क्या होगा, जो हम आपको बता चुके हैं 1 रॉस 1 क्या होता है, लेकिन हमें एक ऐसा संबंध बनाना है जिसमें 1 2 हो जाए और 1 3 हो जाए और वो स्वतुल्य हो। पहली बात, स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होने के लिए हमें सभी डबलिंग्स रखनी होंगी, मतलब 1 2 जैसे हम इसी को आंसर बता दें तो 1 1 रखना होगा, 2 2 3 3 इनको तो आप रखेंगे, ठीक है ना, 1 2 और 1 3 रखना है, 1 2 रखेंगे और 1 3 रखेंगे। देखिए जब हमने 1 2 रखा और 1 3 रखा है, सममित भी है इसलिए इनका उल्टा भी रखना होगा, हमें 2 1 भी रखना पड़ेगा और 1 3 का उल्टा 3 1 भी रखना पड़ेगा। अब देखिए यदि हम इतने बस को देखें, इनकी तो अभी कोई बात ही नहीं की गई है, तो इनको तो हम नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या इतना जो हमारा संबंध, एक संबंध जो हमने बनाया है वो स्वतुल्य और सममित तो है, संक्रामक को और चेक कर लेते हैं संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए यदि आप यहाँ पे कोई भी अवयव लेते हैं उनका आंसर चेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक अवयव लिया 2 1, तो यदि हमने एक अवयव लिया 2 1 और एक अवयव लिया हमने 1 3, इनका रिजल्ट हम चेक करें तो यहाँ इनके बी तो समान है। देखिए 2 1 और 1 3 का रिजल्ट यदि हम चेक करते हैं तो इनका रिजल्ट मिल रहा है 2 3, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, मतलब यहाँ
मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं संक्रामक है नहीं। और संक्रामक है नहीं, हमें बिल्कुल यही चाहिए कि संक्रामक नहीं है। तो केवल जो हमने बताया है, केवल इसका आंसर एक ही हो सकता है, ठीक है ना। केवल एक ही ऐसा संबंध बन सकता है जिसमें जो है स्वतुल्य और सममित हो जाए लेकिन संक्रामक ना हो, और जे दो अवयव भी हो जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक, क्योंकि एक यही बस बन सकता है। देखिए, यदि आप दूसरा जे पूरे का पूरा बनाते तो पूरे का पूरा जो है स्वतुल्य सममित तो होता, साथ ही साथ संक्रामक भी हो जाता, लेकिन हमें संक्रामक नहीं चाहिए। तो केवल जो हमने यहां आंसर बताया, केवल एक आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, आठवां क्वेश्चन। एक समुच्चय ए बी दिया है, इसमें द्वि आधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होगी, और एक समुच्चय ए बी सी दिया है जैसे, और इसमें जो है द्वि आधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए, इस सवाल को हम कैसे निकालते हैं द्वि आधारी संक्रियाएं, तो यहां पे ध्यान देना। यदि आप देखें, मान के चलते हैं एक आपके पास सेट है, ए बी सेट दिया गया था, तो इसमें दो अवयव हैं। कितनी अवयव हैं यहाँ पे? दो अवयव हैं। यदि आप ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए, ए ए आएगा, हो सकता है ए बी आ जाए, और हो सकता है बी ए आ जाए, हो सकता है बी और बी आ जाए। मतलब इनका जो क्रॉस हमने निकाला है, इस क्रॉस में कितने अवयव आ सकते हैं? चार अवयव आ सकते हैं। तो ध्यान देना के जो सेट है उसमें हैं दो अवयव, जबकि क्रॉस में कितने अवयव आ सकते हैं? चार अवयव आ सकते हैं। तो बस वहीं से द्विआधारी संक्रियाएं, तो वहीं से जो है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। इस फार्मूला से ध्यान रखना कि ए में कितने अवयव हैं और ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, वो घात बना के लिखना है। तो ए में तो दो अवयव हैं तो दो, और ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं? चार अवयव हैं, तो दो पे चार की घात, हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे बी नंबर का आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि हम देखें, अगला सवाल भी इसी टाइप से है, इसमें तीन अवयव हैं। तो देखिए, जब तीन अवयव हैं आपके पास और यदि आप इनका क्रॉस गुणनफल निकालेंगे, तो क्रॉस गुणनफल में तीन त्रिका 9 अवयव आए होंगे। तो फिर यहाँ पे ए में 3 अवयव हैं और क्रॉस में 9 अवयव हैं, तो 3 पे 9 की घात जो है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होगी, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए एक समुच्चय 1 2 3 4 है, और इसमें जो है एक संबंध बताया गया है, जो संबंध निम्नानुसार परिभाषित संबंध आ रहे। अब हमें सही उत्तर का चयन करना है कि इन चार में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो यदि हम देखें, जो हमें संबंध दिया गया है, इसमें तीनों चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य कब होगा? जब यहाँ पे जो समुच्चय है 1 2 3 4, इसकी चारों डबलिंग्स जो है इस आर में मौजूद हो जाएं। तो एक एक है, दो दो है यहाँ पे, तीन तीन भी है, चार चार भी है, मतलब स्वतुल्य है। अब यदि हम बात करते हैं सममित की, सममित है या नहीं है, तो सममित की यदि हम बात करें, सममित कब होता है कि हर एक अवयव का अपोजिट भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 1 2 है, तो 1 2 का अपोजिट यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 3 1 3 का अपोजिट 3 1 यहाँ कहीं नहीं है, तो सममित नहीं है। तो देखिए, वैसे आंसर आपको यहीं पे मिल जाता है कि यहाँ सममित नहीं है, सममित नहीं है वाला एक ही ऑप्शन है, जो बी नंबर का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो संक्रामक निकालेंगे तो संक्रामक यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बी नंबर का आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए समुच्चय एन में, मतलब प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है, और इस प्रकार से संबंध है वो ए बी में है कि ए का मान जो है यहाँ पे बताया गया है, ए का मान बी माइनस टू के इक्वल है, और बी का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे पहला, जैसे हमने ऑप्शन लिया तो यहाँ 2 4, यदि हम देखें तो बी का मान यहाँ 4 है, 6 से बड़ा नहीं है, तो ये तो आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड, यदि हमने ऑप्शन लिया 3 8, और 3 8 यदि आप यहाँ पे रख के देखते हैं, ए का मान 3 बी का मान 8 रखेंगे, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 8 रखेंगे, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 3 बराबर 6 गलत हो जाएगा। यदि आप तीसरा आंसर देखें 6 8, तो 6 8 को बी का मान बिल्कुल 6 से बड़ा है, चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ए की जगह हम 6 रखते हैं और बी की जगह कितना रखना है? 8 रखना है, माइनस 2 करना है, तो 6 बराबर 6 मिल जाएगा, जो कि सही आंसर होगा।
तीसरा चौथा बिंदु भी आप चेक कर सकते हैं, 8 7। यदि 8 7 आप यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं तो ए का मान 8 रखना होगा और बी का मान 7 रखना होगा, तो 7 माइनस 2 तो 8 बराबर 5, ये गलत हो जाएगा। तो मतलब 6 8 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है अध्याय एक के कुछ विकल्प ही अभी कंप्लीट किए हैं, बाकी थोड़ी से और बच गए हैं जो हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप इन विकल्पों को जरूर कंप्लीट कर लें। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को ऑफलाइन सेव करके ना देखें। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।